हे नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो ग्राम विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा स्पेशल में सामान्य हिंदी में वर्णमाला आज का टॉपिक है और वर्णमाला हम पढ़ेंगे क्रैश कोर्स की भांति और प्लस लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे। वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो एग्जाम में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस प्रकार के हम क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे। और देखिए पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रख के जैसे लिखा है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और ये पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रख के भी बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा इसको हम थोड़ा जल्दी में करेंगे क्योंकि अभी वर्णमाला आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके पूरा हिंदी का आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला वर्णमाला की बात करें तो यहाँ से दो या तीन प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हो चाहे फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर जो आपने अभी तक हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पर बात करें UP SSC रेलवे के बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कर लीजिए। तो वर्णमाला हिंदी में इंग्लिश में जिसे अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, जिस प्रकार से इंग्लिश में ए से जेड तक वर्णमालाएँ होती हैं उसमें कुछ आपके स्वर होते हैं, वावेल होते हैं जैसे AIEOU, उसी प्रकार से हिंदी में भी स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। वर्णमाला पूरा होता है मतलब स्वर और व्यंजन दोनों मिला दिया जाता है तो उसे हम वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्णमाला से पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं ध्वनि क्या होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ऑप्शन रहेगा ध्वनि, तो ध्वनि आप लगा के चढ़ जाएंगे। अब देखिए ध्वनि को वर्ण भी बोलते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी है और इसी ध्वनि को हम वर्ण बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखिएगा इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो जैसा कि मैंने कहा हम थोड़े स्पीड में कंप्लीट करेंगे क्योंकि क्रैश कोर्स है, एक तरह से आपने दो तीन बार पढ़ चुके हैं तो रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने बताया था कि वर्णमाला में दो चीज़ें आती हैं, एक स्वर आता है एक व्यंजन आता है। इंग्लिश में बात करें तो 5 स्वर होते हैं AEIOU, लेकिन हिंदी में बात करें तो स्वरों की संख्या टोटल कितनी होती है, 11 होती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 11 स्वर होते हैं। तो पहला होता आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, बड़ा ए, री, ए और बड़ा ए, ओ और औ, ये टोटल 11 स्वर होते हैं हिंदी में। देखिए ध्यान रखिएगा संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, 13 होते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, इसको ध्यान रखें। तो अब जानते हैं स्वर होता क्या है। स्वर की बात करें, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, मतलब वह किसी के साथ प्रयोग ना हो। अब देखिए व्यंजन हम पढ़ेंगे तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बनता है, लेकिन स्वर की बात करें तो स्वर अकेले में स्वतंत्र होता है, मतलब स्वर को स्वयं अकेले की जरूरत होती है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो या फिर जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो वो स्वर कहलाता है। अब देखिए जो वर्णों के उच्चारण में सहायक हो, मतलब आगे स्वर ही आगे जाके वर्णों के उच्चारण में सहायक बना गया। व्यंजन हम पढ़ेंगे, व्यंजन भी हमारा स्वर से मिलकर ही बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। स्वरों की संख्या 11 होती है, ये मैंने बता दिया, ये टोटल 11 स्वर होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये अगर जो आपको याद रहेगा तो आसानी से संधि लगा लेंगे। संधि मैं बताऊँगा इन्हीं के ट्रिक से बताऊँगा कि आप संधि कैसे पहचानेंगे कि स्वर संधि में कौन कौन सी संधि है, दीर्घ है, गुण है, यण है, वृद्धि है, आदि है। ठीक है, पहला आप क्रम करिए, ये टोटल याद कर लीजिए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, एकदम क्रम से याद कर लीजिए ये स्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन स्वरों में तीन प्रकार से बांट दिया गया, कौन कौन से, एक ह्रस्व हो गया, एक दीर्घ हो गया, प्लुत हो गया और अयोगवाह भी दो आते हैं, लेकिन इसमें हम तीन ही पढ़ेंगे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अयोगवाह देख लीजिए, हम बता देंगे अभी। ठीक है, आगे चल के ये सारे पूछे जाते हैं अयोगवाह कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 11 में से हमको पहचानना है कौन ह्रस्व है, कौन दीर्घ है, कौन प्लुत है। ठीक है, अब देखिए ह्रस्व की बात करें, ह्रस्व मतलब छोटा, सबसे छोटा, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 स्वर ऐसे आएंगे जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा और वो आपके ह्रस्व के अंतर्गत आएंगे और बाकी जितने भी बचेंगे वो आपके दीर्घ के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ह्रस्व ही ध्यान रखेंगे, उसके बाद दीर्घ आपके ऑटोमेटिक निकल जाएगा, मतलब 4 अगर जो हम ह्रस्व निकाल देते हैं तो 7 आपके दीर्घ बच जाएंगे। ठीक है, तो ह्रस्व की बात कर लें, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, तो आ में ज़्यादा समय लग रहा है इसको छोड़ देते हैं, ई,
उ और री, ये आपके चार क्या हो गए, ह्रस्व हो गए, इनको ध्यान रखिएगा, अ ई उ री छोटा वाले, ये चार ह्रस्व हो गए, बाकी जितने बचे सात ये आपके दीर्घ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, चार ह्रस्व सात दीर्घ। प्लूत और आयुर्वाह देख लेते हैं क्या होता है। देखिए अब देखिए ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगर जो आप पेड ग्रुप में है, ठीक है। ह्रस्व की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर भी कहते हैं, इनकी संख्या चार होती है, मैंने बता दिया कौन कौन सी। दीर्घ की बात करें, जिनके उच्चारण में ह्रस्व या दुगुना समय लगे उनकी संख्या सात होती है, इसको भी देख लिए। प्लूत की बात करें, प्लूत मतलब जिनके उच्चारण में दीर्घ व ह्रस्व से भी ज़्यादा समय लगता है। जैसे अब हम देखें किसी को बुलाते हैं सोहन राम, तो इसमें बीच में आ आ रहा है ना, आ रुक रहे हैं, तो वो बीच में ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसी को हम प्लूत के अंतर्गत, जैसे अगर जो हम लिखते हैं बोलते हैं ओम, तो ओम में ज़्यादा समय लग रहा है इसलिए हम ओम को इस प्रकार से लिखते हैं राम, बीच में जो ये गैप हो रहा है ना तो वो ज़्यादा समय ले रहा है, तो इसी ये सारी चीज़ें आपके प्लूत स्वर के अंतर्गत आ जाती हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अयोगवाह मैंने बताया, अयोगवाह देख लेते हैं, अयोगवाह दो होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, एक अ होता है एक अ होता है, ठीक है, ये वाला, ये वाली बिंदी ऊपर रहेगा तो इसे हम अनुस्वार बोलते हैं, ये वाली को हम जानते हैं हम विसर्ग बोलते हैं, ये दोनों को ध्यान रखिएगा, ये अनुस्वार हो गया, ये वाला विसर्ग हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब लेखन के आधार पर भी स्वरों के कई स्वरों को बांटा गया है, कौन कौन से हो गया, एक मूल हो गया, एक संयुक्त हो गया। मूल में आपकी ये सारी आ जाती हैं अ ई उ ए ओ, ये सारे आपके मूल के अंतर आ गए। संयुक्त में आपके दो आते हैं, बड़ा ए और ओ। संयुक्त क्यों, क्योंकि ये स्वरों के दो स्वरों के मेल से बने हैं, ए की बात करें तो अ और ए के मेल से बना है, और ओ की बात करें आ और ओ के मेल से बना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों को वर्गीकृत किया गया है, अग्रस्वर मध्यस्वर, मतलब अग्रस्वर मतलब जो जीभ के आगे के भाग से निकलती हैं, मध्यस्वर मतलब जिनमें जीभ कोई मतलब कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता, वो जीभ के बीच से निकलती हैं, बोलते समय हमारा जीभ का बीच का भाग का इस्तेमाल होता है। पश्चस्वर की बात करें, जीभ के पीछे की भाग का इस्तेमाल करता, एक बार आप बोल के प्रैक्टिस करिएगा ना तो ये सारी चीज़ें आसानी से कवर हो जाएंगी, याद हो जाएगी। तो अग्रस्वर में आपके चार एग्जाम्पल आते हैं, ई बड़ा ई ए और है, मध्य में आ ही आता है, पश्चिम में आ उ उ ओ ओ, ये सारे आपके पश्चस्वर के अंतर्गत आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, ओठों की स्थिति के आधार पर आवृतमुखी वृत्तमुखी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सारे एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पर भी विपरीत अर्धविपरीत, जिनके आधार पर मुँह गोल आ मुँह पूरा खुलता है, अर्धविपरीत मुँह कम खुलता है, ए ओ आधा खुलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, उतना नहीं लेकिन कभी कभी पूछ लेता, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक निरानुनासिक या अनुनासिक होता है, हवा नाक व मुँह से निकलने के आधार पर, ठीक है, इनको भी देख लीजिएगा। निरानुनासिक अ अ ई, अनुनासिक में अ आ ई, जिसमें चांद बिंदु आ जाए वो अनुनासिक के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया ये सारी चीज़ें। आप एक भी चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा, एक बार दो बार पढ़ के जरूर जाइएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं आता छोड़ दें, कभी आप देखिए पढ़े रहेंगे ना तो एग्जाम में आएगा भी, तभी आप हो सके करके आ जाएंगे, आपके माइंड में आ जाता है, माइंड का क्या भरोसा। अभी देखिए हम व्यंजन में आगे हम पढ़ेंगे अघोष और सघोष, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी स्वर में भी ये चीज़ आती हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, सभी स्वर क्या होती हैं, सघोष होती हैं, सभी स्वर क्या होती है, अल्प प्राण होती है, ठीक है, सभी स्वर सघोष होती हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आगे हम क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे, वो आपके लिए महत्वपूर्ण बने, अभी देखिए स्वर वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया अच्छे से। अभी हम आते हैं व्यंजन, व्यंजन भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हमने पढ़ा था स्वरों में कि स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन व्यंजन की बात करें ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, ये स्वरों की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजनों की संख्या की बात करें, स्वर आपको पता है 11 होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। अभी देखिए कुल 52 होते हैं वर्णमाला में, लेकिन ये 33 और 11 मिला दें तो टोटल 44 होते हैं, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कैसे 52 होते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33 में अगर जो हम बांट दें तो 25 आपके स्पर्श हो जाते हैं, 4 अंतस्थ हो जाते हैं, 4 ऊष्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, ऊष्म क्या होते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं, स्पर्शी क्या होते हैं, आगे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये 33 होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें 25 स्पर्श होते हैं, स्पर्शी, स्पर्शी को 25 जो होते हैं इनके 5 वर्गों में रखा गया है, वर्ग भी हम देखेंगे आगे से। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, आप सबसे पहले काम करिए वर्णमाला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। वर्णमाला पढ़ रहे हैं, आपको वर्णमाला नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे,
आप गलत करके चले जाएंगे। इसलिए पहला काम करिए, आप वर्णमाला याद करिए और किस प्रकार से याद करना है ये आप ये क्रम याद रखिए। आपको पांच पांच के क्रम में याद कर रखना है, ठीक है। वर्णमाला आपको याद रहना चाहिए, वर्णमाला नहीं याद है सच में आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्णमाला, ये लिखा है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ठ ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक है। अभी देखिए मैंने ये क च ट त प, मतलब ये क च ट त प याद कर लीजिए, ये भी याद रखना जरूरी है। क मतलब कवर हो गया, च मतलब चावर, ट मतलब टावर, त मतलब टावर, प मतलब पावर, ठीक है। क वर्ग में आपके सारे आ जाते हैं, क ख ग घ ङ, ये क वर्ग के अंतर्गत हो गया। च वर्ग में च छ ज झ ञ, च वर्ग के अंतर्गत हो गया। ट वर्ग की बात करें, ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग के अंतर्गत हो गया। आगे हम अभी हम देखेंगे तालव्य कंठ व्यंजन कौन कौन, तो इसमें आपके ये क्रम, ये जो क च ट त प आ गया तब आपके समझ में आएगा ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ठीक है। त वर्ग के अंतर्गत त थ ध न आ गया, प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म आ गया, ठीक है। अब ये आपको याद रखना जरूरी है। अब इसमें मैंने बताया था एक अल्प प्राण एक महाप्राण, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं क्या होता है अल्प प्राण, क्या होता है महाप्राण, और कौन कौन से आपके जो व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत। अब देखिए ये क्रम आपको याद है, ये पाँचों आपने बना लिया, ये 25 तक लिख लिया आपने, क च ट त प लिखा, उसके बाद ये लिख लिया क वर्ग में कौन कौन से आते हैं। अब देखिए यहाँ से कैसे पता करेंगे कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है, कौन से अघोष है, कौन से सघोष है। अब देखिए, ठीक है, तो अभी देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हर वर्ग का चाहे क वर्ग हो चाहे च वर्ग हो ट वर्ग हो तब हर वर्ग का जो पांचवा ये वाला होता है, एक दो तीन चार, ये नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो आपका अनुस्वार होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा अनुस्वार होता है। ये आपके क्या होते हैं अनुस्वार के अंतर्गत होते हैं। तो हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुस्वार होता है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से अनुस्वार हो गए, पांचवा इसको ध्यान रखिए। अब मैंने बताया अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण से हम शुरू करते हैं, तो पहला हमारा क्या हो गया अल्प प्राण, फिर एक छोड़ देंगे, तीसरा हमारा अल्प प्राण एक छोड़ देंगे, चौथा पाँचवा हमारा अल्प प्राण, ठीक है। तो एक तीन और ये पाँचवा हमारा क्या हो गया अल्प प्राण के अंतर्गत आ गया, मतलब क वाला ये, ग वाला ए और अड़िया ये अड़ना, ये आपके अल्प प्राण होंगे। अब देखिए इसमें से जो बचा वो आपके महाप्राण, मतलब दूसरा और चौथा ये आपके महाप्राण हो गए, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपका थ दे देगा, थ आपका क्या है अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो आप कहेंगे अल्प प्राण, ये वाला आपका अल्प प्राण हो गया, तो ये वाला आपका दूसरे नंबर पर आएगा तो आपका महाप्राण होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा न आपका क्या है, अनुस्वार है, अल्प प्राण है, महाप्राण क्या है, तो आप कहेंगे अनुस्वार भी है, अल्प प्राण भी है और सघोष भी है। तो अब देखिए अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया, अनुस्वार हो गया, अभी हम देखिए अघोष और सघोष। तो अघोष और सघोष में देखिए, अघोष की बात करें नंबर एक और नंबर दो, ये वाला पूरा आपका अघोष होता है, बाकी जितने बचे ये क्या होते हैं सघोष होते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्पर्शी व्यंजन 25, तो ये जो पाँचों क च ट त प पूरा होता है, या आप देखेंगे एक दो तीन चार पाँच, पाँच पचे 25 आते हैं, यही आपके 25वें स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों अघोष हो गए, ये तीनों सघोष हो गए, ये वाला ये वाला ये वाला अल्प प्राण हो गया, और ये महाप्राण हो गया, और ये पांचों क्या हो गया अनुस्वार हो गए, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई, रिवीजन हो गया अच्छे से, अगर जो आप भूले भटके थे तो समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने बताया था 25 स्पर्शी व स्पर्शी तो हो गए, चार अंतस्थ बताया था, चार ऊष्म या संघर्षी बताया था। तो अंतस्थ में देखिए या ये कई बार पूछा गया, या र ल व, ये आपके चारों क्या हो गए अंतस्थ हो गए, ध्यान रखिएगा ये अंतस्थ के साथ साथ अल्प प्राण भी है, यहीं से पूछता है क्वेश्चन अल्प प्राण महाप्राण ज़्यादा। तो अंतस्थ के साथ ये अल्प प्राण भी है और सघोष भी है, क्या है अल्प प्राण प्लस सघोष, अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण भी होते हैं और सघोष भी होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उसमें पे, उसमें में आपके जो तीनों स होती हैं, सलजम वाला स, षटकोण वाला स, छोटा स, और साथ में ह आ जाता है, ठीक है। ये सलजम वाला स, षटकोण वाला स, और ये वाला स, साथ में ह, ये आपके क्या होते हैं उसमें व्यंजन होते हैं। उसमें में आपके ये तीनों जो होते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, सॉरी चारों होते हैं जो, ये आपके होते हैं महाप्राण, अंतस्थ होते थे अल्प प्राण, ये हो गए महाप्राण। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ये आपके तीनों जो स हैं, ये आपकी अघोष हैं
और ये आपका है असागोस है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चारों उसमें व्यंजन जो होती हैं ये महाप्राण होती हैं, लेकिन ये तीनों स जो होती हैं ये अघोष होती हैं, हा आपका सघोष होता है, ये ध्यान रखिएगा। रिवीजन हो गया, आगे चलते हैं। अभी देखिए व्यंजन में चार संयुक्त वर्ण भी आते हैं, संयुक्त वर्ण से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। तो चार संयुक्त वर्ण आते हैं, छ क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ग ज्ञानी, स्र श्रम। तो ये चार आपके संयुक्त वर्ण आते हैं और ये दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। जैसे हम देखते हैं छः को देखते हैं, छः माने छत्री, तो छः को हम लिख सकते हैं इंग्लिश में के एस एच, तो यहाँ से बना लेंगे के मतलब क, एस एच मतलब स, क षटकोण वाला स, तो ये इन दोनों से मिलके बना है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है छः किन दो व्यंजनों से मिलके बना है, तो आप कहेंगे क और स। इसी प्रकार से त की बात, त्र की बात करें तो त व र से मिलके बना है, ज की बात करें ज और य से मिलके बना है, स्र की बात करें स और र से मिलके बना है। तो ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितनी बार स्टार लगा लो उतनी बार कम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए उच्छिप्त दो होते हैं, उच्छिप्त में कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें रट डालिए, ठीक है। उच्छिप्त में क्या होती हैं, अड़ और ढक्कन वाला ढ, ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। कुल 52 होते हैं, अब 52 मैंने बताया कैसे होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 11 स्वर हो गया, 33 व्यंजन हो गया, 2 अयोगवाह हो गया, 4 संयुक्त हो गया, 2 उच्छिप्त हो गया, इनको हम जोड़ेंगे टोटल 52 होते हैं। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, बच्चे कहते हैं 11 स्वर 33 व्यंजन कैसे 52 हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई हूँ। 11 स्वर, 2 अयोगवाह व्यंजन, 33 संयुक्त, 33 व्यंजन संयुक्त, 4 उच्छिप्त, 2, ये कुल मिला के आपके 52 यानी कि 52 होते हैं। आगे चलते हैं, अभी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और आ गया यहाँ पे, स्पर्शी मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप देखिए आपको यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है, क च ट त प, आपने लिखा क च ट त प और क ख ग घ, जैसे सही है, मतलब क वर्ग में जितने होते हैं लिख दिया। उसके बाद देखिए आप सबसे नीचे गले में जाते हैं, वहाँ कंठ बोलते हैं उसे, तो कंठ से ही ध्वनियाँ निकलती हैं, तो कंठ के ऊपर आएंगे तो आपके ऊपर आएंगे तो तालव्य तालु पड़ेगा, तो तालव्य ध्वनियाँ हो गया। तालव्य से ऊपर आएंगे तो मूर्धन्य ध्वनियाँ हो गया, मूर्धन से ऊपर आएंगे तो दांत पड़ेगा आपका, तो दंतव्य ध्वनियाँ हो गया, दांत से ऊपर आएंगे तो ओष्ट पड़ेगा, तो ये ओष्ट ध्वनियाँ हो गया। तो ये क्रम आपको याद रखना है, तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ट। अब देखिए इसमें कवर की ध्वनियाँ जितनी भी होती हैं, कवर के अंतर्गत आती हैं, वो आपके कंठ से निकलती हैं। चवर के अंतर्गत जितनी भी ध्वनियाँ निकलती हैं वो आपके तालु से निकलती हैं, यानी कि तालव्य ध्वनियाँ हो गई। ट वर्ग से जितनी भी ध्वनियाँ निकलती हैं वो आपके मूर्धा से निकलती हैं, यानी कि मूर्धन्य ध्वनियाँ हो गई। त से जितनी, त वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ आती हैं वो आपकी दंत से निकलती हैं, यानी कि दंत ध्वनियाँ हो गई। और उसके आगे ओष्ट आता है, तो प वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ आती हैं वो ओष्ट। क्वेश्चन पूछेगा आपका द आपका क्या है, कौन सी ध्वनि है, कहाँ से निकलती है, तो आप द याद करेंगे, द आपका त वर्ग के अंतर्गत होता है, त मतलब दंत, तो द हमारा दंतव्य ध्वनियाँ हो गई। क्वेश्चन पूछेगा ज आपका क्या है, ठीक है, कौन सी ध्वनियाँ हैं, कहाँ से निकलती है, तो आप कहेंगे तालु से निकलती है, तो तालव्य ध्वनियाँ हो, ये क्रम याद रखेंगे। अभी देखिए अंतस्थ में देख लेते हैं, अंतस्थ में चार होते हैं, या र, ल, व, तो आप इसको याद रखिए। देखिए यह आपका तालव्य होता है, र मूर्धन होता है, ल दंतव्य होता है। अभी देखिए एक छोड़ के आप लिखेंगे, एक छोड़ देंगे, य तालव्य, र मूर्धन्य, ल दंतव्य, ठीक है। उसी प्रकार से तीन आपकी क्या होती हैं, स्पर्श होती हैं, तो एक छोड़ के लिखेंगे स स स, तो आपकी तालव्य, मूर्धन्य, दंत हो गया। अब देखिए स्वर की बात कर लें, आ आपकी क्या होती है, कंठव्य होती है, ई की बात करें तालव्य होती है, इसको आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना जल्दी तैयार हो गया। री की बात करें मूर्धन्य होती है, और ऊ और बड़ा ऊ की बात करें ओष्ट होती है। उसके बाद आपकी आती है ए और ए, ये आपके कंठ और तालव्य से दोनों से निकलती हैं, तो कंठ तालव्य ध्वनियाँ बोलते हैं ए और बड़ा ए। व की बात करें, वह आपका दंत और ओष्ट दोनों से निकलती है, इसलिए दंतोष्ट ध्वनियाँ बोलते हैं। आगे चले देखिए, जैसे आपका ओ और बड़ा ओ की बात करें, मैंने कंठोष्ठ होती हैं, कंठ और ओष्ठ दोनों से निकलती हैं। ए और ए की बात करें तो कंठ तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, व की बात करें तो दंत और ओष्ठ दोनों से निकलती हैं, ये दंतोष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। अभी देखिए उच्चारण के आधार पर भी व्यंजनों को वर्गीकृत किया जाता है, ये लास्ट टॉपिक है। जैसे अनुनासिक मैंने बताया, हर वर्ग का क च ट त प, च क वर्गो, च वर्गो, त वर्गो, ट वर्गो, प वर्गो, हर वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है, तो अनुनासिक में कौन कौन सी आ गई, ण, ईया, ण, न, म, ये आपकी पाँचों अनुनासिक में आ गए। ल को देखिए, ल आपका ज ल से लट्टू तो इसको हम पार्श्विक ध्वनियाँ बोलते हैं, याद रखिएगा। र को हम लुंठित या प्रकंपित बोलते हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ल आपका पार्श्विक हो गया,
र आपका प्रकंपित या लुंठित हो गया, य व की बात करें ये अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं, याद रखें कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, य और व अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं, ळ और ढ आपकी उच्छिप्त आते हैं, और यहाँ पे आगत यानी कि गृहित हम बोलते हैं, जिनको आगत भी बोलते हैं, ज यफ यानी कि ये किसी उर्दू फारसी भाषा से आए हैं, हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो गृहित या आगत बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सारो अल्पप्राण होते हैं, उसमें क्या होते हैं महाप्राण होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, वर्णमाला के क्वेश्चन आंसर सेट लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके दीजिएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। नेक्स्ट, निम्न में नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के याद रखिए हर वर्ग का 5वां अक्षर, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका नासिक के व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन कौन सा है इसमें से, जो मैंने अभी पढ़ाया उसी में से सारे क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। गैफर ज्ञानी आपका संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट, 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 का और स से मिलके बना है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, घोष बताना है। तो आपको पता है पहला दूसरा अघोष होता है और तीनों जो सघोष होते हैं, तो ये आपका घोष है। ठीक है, घोष और जान रहे घोष और सघोष में कन्फ्यूज मत होइएगा, घोष जो सघोष होता है वही घोष होता है। ठीक है, अघोष अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में अल्पप्राण कौन से हैं, अल्पप्राण कौन से है? पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितना? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो मैंने क्रम बताया था, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, और क्रम बताया था कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, तो आपकी च छ ज झइयां तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में अह और औ क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी अयोगवा। ठीक है, ये वाला विसर्ग कहलाता है लेकिन इसमें अयोगवा ही कहलाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं है ये वाले का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन वर्ण घोष नहीं है, इनमें से कौन सा घोष नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो सिंपल सा आंसर है, तो आप कृपा लिखेंगे तो री आ रहा है, दृष्टि में भी री आ रहा है, कृष्ण में भी री आ रहा है, आज ऐसा स्वर है जिसमें री नहीं है, शब्द है। नेक्स्ट, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? पता है आपको महाप्राण कौन कौन से होते हैं, पहला अल्प होता है, दूसरा चौथा महाप्राण होता है, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ठीक है, अभी इतना ही था टेस्ट में आपके,
और आशा आपको ये जो वर्णमाला का चैप्टर है रिवीजन हो गया होगा अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट अच्छा सा छोड़ दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय दोस्तों, जय भारत।